बन जाए। काबे दूसरा है और ठूसा। अरे ससुर ऐसा लग रहा शरीर का तो मोर्चा निकल गवा है, सारी हड्डियां ना कड़कड़ा रही है। ठिठुर के रह गए ससुर एक महीने से। अरे बाबू जल्दी करो यार, तुम कहाँ इतना टाइम लगा रही हो है? जाना नहीं का नाश्ता की कि नहीं की तुम है? डॉक्टर के पास जाने देरी हो जाएगी, बताओ। नहीं नहीं हम नाश्ता नहीं करेंगे, हम बस जूस पीकर निकलते। पिछले 5 साल से ही महारानी विक्टोरिया जूस पे जूस पिए जा रही है। हमारे जनता में तो भाई कौनो ऐसा फल नहीं बचा दुनिया में जिसका जूस ही मैडम न पी हो, बाकी का फायदा हुआ? अरे हमको तो कौनो उम्मीद नहीं है इससे वंश परिवार चले के। जूस फूस पी के भी एगो घास नहीं हरियाई के जमीन पर, बाकी का कहें का करें, सब भागे का दोष है ना। प्रतिज्ञा जी आपके पति हमेशा आपके साथ आते हैं, लेकिन आज वो आपके साथ नहीं है। आज उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए आज वो हमारे साथ नहीं आ सके। प्रतिज्ञा जी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपके माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर दी डॉक्टर। जैसे ही कृष्णा को पता चलेगा ना वो बहुत खुश हो जाएगा। जानती है कृष्णा को बच्चे बहुत पसंद है और अपने होने वाले बच्चे के लिए तो वो बहुत उत्साहित है। अपने होने वाले बच्चे के लिए तो उसने अभी से सब कुछ सोच कर रखा है। जब आज कृष्णा को इसके बारे में पता चलेगा ना तो वो सचमुच बहुत क्या हुआ डॉक्टर सब ठीक तो है ना? प्रतिज्ञा जी कृष्णा पिता नहीं बन सकते। हाँ काहे नहीं रही है? घर चली गई होगी, वो घर पे जो है सबका बताई दी होगी कि सब एकदम ठीक है, रिपोर्ट पे दिग्गज माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगी। अली फोन इधर उधर रखती होगी, उठा ही नहीं पा रही होगी। चलो अभी घर चलते हैं। क्या सोच रही हो प्रतिज्ञा? यही ना कि तुम कृष्णा को सच्चाई कैसे बताओगी, क्योंकि ये सच्चाई जानने के बाद कि वो कभी बाप नहीं बन सकता, वो बहुत दुखी हो जाएगा और पूरी तरह से टूट जाएगा। फिर भी तुम उसे अंधेरे में नहीं रख सकते, नहीं तो ये कृष्णा के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा। उसे सब सच बता दो, इससे कम से कम वो अपने मन में बाप बनने की नामुमकिन उम्मीद लेकर तो नहीं बैठा रहेगा। उसे सब सच बता दो,